अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 पढ़ेंगे, ठीक है। पीछे हम टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 पढ़ा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टाइप 3 है, ठीक है। तो टाइप 3 में देखें, टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था? टाइप 1 में हमने पढ़ा था कि उसमें मास सेल थे, मास सेल के ऊपर एंटीजन IgE होती थी, वो फिक्स थी, और एंटीजन क्या थी? फ्री थी, याद है? एंटीजन फ्री थी, वो यहाँ पे आ गए, इसकी क्रॉस लिंकिंग कराती थी तो ये एक्टिव होते थे, हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 होती थी। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा कल? हमने पढ़ा कि टाइप 2 में कि ये सेल है, इन्फेक्टेड सेल, उसके ऊपर एंटीजन फिक्स है, एंटीबॉडी क्या है? फ्री है। आज क्या होगा? आज दोनों फ्री होंगे, दोनों आजाद हैं। आज आपकी एंटीजन भी फ्री और एंटीबॉडी भी फ्री। इसमें बनता है इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स इसको समझ लेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फिर आपको इंशाल्लाह इजीली आगे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों के कम्बिनेशन को कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते होते हैं। फिर से सुन लें, इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है आपकी एंटीजन और एंटीबॉडी के दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको हम क्या बोलते होते हैं? इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते होते हैं। सो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन थी। यहां पर भी क्या होता है आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा कि बाहर से कोई एंटीजन आई है, ठीक है, जो हार्मलेस थी, जो क्या थी? हार्मलेस थी। ये इंटर हुई है बॉडी में, इसका कोई नुकसान नहीं था, लेकिन जैसे ये बॉडी में इंटर हुई तो हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ क्या बना दी? एंटीबॉडीज बना दी। एंटीजन इंटर हुई, हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ क्या बना दी? एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज जाके इसके साथ मिल जाती हैं तो ये क्या बन गया? इम्यून कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया। तो मोस्टली होता क्या है कि हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो फिर आते हैं, क्योंकि वो मैक्रोफेज आपको पता है एफसी पोर्शन पे आके लगते हैं, एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन पर आके मैक्रोफेज लगते हैं और वह इसको क्या कर लेते हैं? इंगल्फ कर लेते हैं, और ये जो आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, आपकी बॉडी में ये नहीं रहता। लेकिन बाद दफा क्या होता है कि जो बड़े बड़े इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं वो तो हो जाते हैं क्लियर, लेकिन जो छोटे छोटे इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, यानी कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस रह जाते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या मतलब? एंटीजन और एंटीबॉडी कुछ ये रह जाएंगे, सारे क्लियर नहीं होंगे। अब ये जो कुछ रह जाते हैं ये ब्लड वेसल्स में मूव करते हुए जब जाते हैं तो ये ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं कौन से, उनमें जाके स्टक हो जाते हैं। यहाँ पर आपका ये एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? स्टक हो गया। देखिए मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई एंटीबॉडी इंटर होती है, एंटीजन इंटर होती है, तो एंटीबॉडी उसके खिलाफ बन जाती है और इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मोस्टली क्या होता है, इस इम्यून कॉम्प्लेक्स पे मैक्रोफेज आते हैं और इसको क्या कर देते हैं? क्लियर कर देते हैं, यानी साफ कर देते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं, फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। लेकिन बाज दफा जो छोटी छोटी क्या होते हैं आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, तो तब उस शक्ल में क्या होता है कि आपके यही इम्यून कॉम्प्लेक्स मूव करते हैं और आपकी एंडोथेलियल की लाइनिंग में जाके अटक जाते हैं, वहां पे स्टक हो जाते हैं। अब ये एंडोथेलियल लाइनिंग में ब्लड वेसल जो एंडोथेलियल होते हैं वहां पे क्या हो गए? स्टक हो गए। जब ये स्टक होते हैं तो इनका दूसरी साइड पे एफसी पोर्शन होता है, कौन सा? अब ये अपने एफसी पोर्शन से कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। किसको? कंप्लीमेंट सिस्टम को क्या कर देते हैं? एक्टिव। जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होता है तो याद करें कंप्लीमेंट सिस्टम में दो प्रोटीन्स बनती थी, C3A एंड C5A, याद है? C3A एंड C5A। C3A का काम क्या था? मास्ट सेल्स के ऊपर बैठकर उससे क्या रिलीज कराना? हिस्टामिन, याद है? याद है, एनाफिलेक्सिस कराता था C3A। तो ये जाके वहां से हिस्टामिन रिलीज कराएगा। जब हिस्टामिन आएगा तो हिस्टामिन के चार काम थे, लेकिन बेसिकली हिस्टामिन क्या है? एक मीडिएटर है। किस चीज के लिए? इन्फ्लेमेशन के लिए। किस चीज के लिए? इन्फ्लेमेशन के लिए। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। C5A क्या करता था याद करें? C5A का काम क्या था? कीमोटैक्टिक फैक्टर। वेरी गुड डॉक्टर यान, किस चीज के लिए कीमोटैक्टिक फैक्टर? न्यूट्रोफिल्स के लिए। ये न्यूट्रोफिल्स को कॉल करेगा, न्यूट्रोफिल्स भी इस जगह पे आ जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि आपका जो न्यूट्रोफिल है ये प्रोटीएजेस और लाइसोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करेगा एट द साइट ऑफ जहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ताकि इसको मैं खत्म कर सकूं, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसको मैं खत्म कर सकूं। लेकिन वो खत्म नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन।
मैं रिपीट करने लगा हूँ पूरा कंसेप्ट, कि सारा कंसेप्ट क्या था। देखे, कोई भी बैट से एंटीजन आई बॉडी में, तो उसके खिलाफ क्या बन गई? एंटीबॉडी बन गई। एंटीजन आई एंटीबॉडी बन गई, उसके साथ कंबाइन हुआ तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून कम्प्लेक्स बोलते हैं। अब मोस्टली फेगोसाइटोसिस के जरिए मैक्रोफेजेस आते हैं, एफसी पोर्शन पर लगते हैं और इसकी क्या कर लेते हैं? फेगोसाइटोसिस करके इसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन बाज दफा जो छोटे छोटे इम्यून कम्प्लेक्स होते हैं, वो आपकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है उसमें क्या कर जाते हैं? स्टक कर जाते हैं, उसमें रुक जाते हैं, एडियर हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो इसका एफसी पोर्शन होता है एंटीबॉडी का, वहां पे क्या लग जाता है? कंप्लीमेंट सिस्टम। अब कंप्लीमेंट सिस्टम हो जाता है एक्टिव। जब ये एक्टिव होता है तो ये दो चीजें बना देता है, C3A एंड C5A। C3A से क्या होती है कि आपका हिस्टामिन रिलीज होता है मास सेल से, तो वो क्या कर देता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसी तरह C5A न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, वो भी न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आते हैं और प्रोटीएजेस और लाइसोसोमल एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, तो उस तरह क्या हो जाती है? पूरी एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हो चुकी है? इन्फ्लेमेशन। ये ब्लड वेसल थी, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी एंडोथेलियल लाइनिंग थी, एंडोथेलियल लाइनिंग में यहाँ पर आपकी वो एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो चुकी है? इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। अब इन्फ्लेमेशन, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, इंजरी हो चुकी है, तो इंजरी को ठीक करने के लिए ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आता है? क्या आता है ब्लड वेसल्स के अंदर जहाँ पे इंजरी हो, ब्लड ब्लड की क्लॉटिंग करानी हो, क्या आते होते हैं? प्लेटलेट्स आते हैं। क्या आते हैं? प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स भाग के आएंगे कि ये जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहे, मैं इसकी हीलिंग करूँ। जब वो हीलिंग करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेट कर जाएंगे, इकट्ठे कर जाएंगे। प्लेटलेट क्या करेंगे? एग्रीगेट। यहाँ पे हीलिंग ऐसी होती है ना प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होते हैं और हीलिंग हो जाती है, ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर ये जो बनता है, तो ये क्या बन गया? सारा एक क्लॉट बन गया, यहाँ प्लाक बन गया ये। अब ब्लड वेसल के अंदर क्या बन गया? एक प्लाक बन गया। तो क्या यहाँ से जो ब्लड गुजर रहा है वो इजिली गुजर पाएगा? नहीं गुजर पाएगा। क्या इस तरफ ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। जब इस तरफ ब्लड नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस्कीमिया। क्या हो जाएगा? इस्कीमिया क्या होता है? इस्कीमिया क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड। क्योंकि ब्लड जा ही नहीं रहा, ऑक्सीजन किसके पास है? ब्लड के पास है, ब्लड ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं रहा। तो जब वहां पे ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इस्कीमिया। और जब इस्कीमिया होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो टिश्यूज का अगला काम क्या होता है? वहां पे क्या हो जाती है? नेक्रोसिस हो जाती है। क्या हो जाती है वहां पे? नेक्रोसिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस। और जो ये क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस। तो ये आपका क्या होता है? हेपेटाइटिस बी टाइप 3। समझ आ गया? इसको रिपीट करूं एक बार में? रिपीट करने की जरूरत है? समझ आ गया? पक्की बात है? चलें जी, मैं देख लूं कि इसमें कोई चीज रह ना गई हो। कंप्लीमेंट सिस्टम देखें, हमने कहा था कि ये क्या बन गया? एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया। कंप्लीमेंट सिस्टम कहाँ पे जुड़ता था एंटीबॉडी के? एफसी रीजन पर। एफसी रीजन के कौन से हिस्से पे जुड़ता था? हिंग रीजन और CH2 के बीच में, वहां पे जुड़ता था। तो यहाँ पे उसके एफसी रीजन पे आके जुड़ेगा आपका कंप्लीमेंट सिस्टम, तो वो हो जाएगा एक्टिव। वो फिर C3A C5A एक्टिव करेगा। C3A से आपका हिस्टामिन आएगा, C5A से आपके न्यूट्रोफिल जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इस इन्फ्लेमेशन को हील करने के लिए प्लेटलेट्स आएंगे, वो एग्रीगेट करेंगे। जब वो एग्रीगेट करेंगे तो यहाँ पे प्लाक बन जाएगा, तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो इस तरफ जब ब्लड नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस्कीमिया। और इस्कीमिया से क्या होती है? आपकी नेक्रोसिस हो जाती है। तो इस तरह आपकी क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। अब अगर यही आपकी जो ये इम्यून कम्प्लेक्स बना है, ये अगर आपका बन रहा है ज्वाइंट्स के अंदर, है जहाँ पे ज्वाइंट्स है, तो आपको क्या हो जाएगी? आर्थराइटिस हो जाएगी, है ज्वाइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्थराइटिस। अगर यही आपकी हो रही है किडनी में, कहाँ पर? अगर इम्यून कम्प्लेक्स किडनी में बन रहा है, उसकी एंडोथेलियल उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर बन रहा है, तो तब आपको क्या हो जाएगा? हेमेटूरिया हो जाएगा। आपके यूरिन में क्या हो जाएगा? आपको हेमेटूरिया, ये हमने कल पढ़ा था, हेमेटूरिया, अगर ये आपके किडनी में हो तो, ठीक है। और अगर यही आपके जो है ना ब्लड वेसल्स के अंदर हो, ब्लड ब्लड वेसल्स बड़ी बड़ी वेसल्स के अंदर हो, तो वेस्कुलाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि वेसल्स की जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और वेसल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसके अंदर जो नेक्रोसिस होती है ना, वो फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। कौन सी? फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये नेक्रोसिस की एक टाइप होती है, ठीक है, इसको हम पैथोलॉजी में कंप्लीट पढ़ेंगे। बस आप देख लीजिए कौन सी होती है, फाइब्रिनॉइड। और अगर ये स्किन पर हो जाए, और अगर ये स्किन पे इकट्ठे हो जाए, तो यहाँ पर रैशेस से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं?
रैशेज से, इम्यून कॉम्प्लेक्स वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, वहां पे प्लाक बन जाएगा स्किन पे, तो स्किन रैशेज जिसे जिसे मेरे ख्याल में पंजाबी में तरफड़ कहते हैं, उर्दू में भी शायद इसको तरफड़ ही बोलते हैं, तो ऐसा कोई लफ्ज होता है कि यहाँ पे क्या बन जाते हैं, रैशेज बन जाते हैं, स्किन रैशेज, इसे कहते हैं अर्टिकेरिया। क्या बोलते हैं? अर्टिकेरिया। तो ये अर्टिकेरिया हो जाएगा। क्या चीज है कि अगर आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके लंग्स में बनेगा तो हिमाचूरिया हो जाएगा आपके यूरिन में, क्योंकि इंफ्लेमेशन हो रही होगी ना वहां पर आपके किडनी में। क्या किडनी में क्या हो रही होगी, मैंने पहले लंग बोला है, सॉरी, किडनी में क्या हो जाएगी आपकी इंफ्लेमेशन, तो आपको हिमाचूरिया होगा, यूरिन में ब्लीडिंग हो रही होगी क्योंकि वहां पर इंफ्लेमेशन हो रही है। और अगर यही आपके ज्वाइंट्स में है तो आर्थराइटिस हो जाएगा आपको, आर्थराइटिस मतलब इंफ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स हो जाएगी। और अगर यही वेसल्स में है तो वेस्कुलाइटिस हो जाएगी, ठीक है। और अगर यही आपकी हो रही है स्किन पर तो आपको अर्टिकेरिया हो जाएगा। समझ आ गई ये बात? पक्की बात है डॉक्टर यान? कोई क्वेश्चन रह गया वो आपका ये इसके हवाले से, हाइपरसेंसिटिव टाइप 3 के बारे से? समझ आ गया? पक्की बात है डॉक्टर जुबैर? डॉक्टर भैया समझ आ गया? गुड। हाँ डॉक्टर मुस्तफा इसकी नहीं है, शहजादा है डॉक्टर मुस्तफा। चले आप हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल है सीरम सिकनेस। चले जी, सबसे पहले इसकी एग्जांपल होती है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस में क्या होता है, देखिए डिफ्थेरिया का नाम आपने सुना हुआ होगा, डिफ्थेरिया टॉक्सिन सुना हुआ है। अच्छा पहले के दौर में पता है क्या होता था कि अगर किसी को डिफ्थेरिया हो गया है, हमने उसके खिलाफ कैसे खुद को ट्रीटमेंट करना है, तो क्या होता था उस वक्त, ये मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने एक घोड़ा बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो पहले दौर में पता क्या होता था कि अगर किसी को डिफ्थेरिया है तो हम लोग डिफ्थेरिया को क्योर कैसे करते थे, हम लोग डिफ्थेरिया को क्योर करने के लिए पहले पहले दौर की बात कर रहा हूँ, तब जो है ना हम डिफ्थेरिया का टॉक्सिन इंटर करते थे आपके हॉर्स के अंदर। जब हॉर्स के अंदर डिफ्थेरिया का टॉक्सिन इंटर हो गया तो हॉर्स उसके खिलाफ क्या बना लेता था, एंटीबॉडीज। क्या बना लेता था? एंटीबॉडीज। तो यही एंटीबॉडीज हम इससे निकाल कर फिर इसके ऊपर लेबल लगा लेते थे, इसको इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है। अब यही एंटीबॉडीज जिस पेशेंट को डिफ्थेरिया हुआ हमने उसको क्या करनी है, इंजेक्ट करनी है। तो जिस पेशेंट को डिफ्थेरिया होगा हमने उसको क्या करना है, ये इंजेक्ट कर देना है पेशेंट को। और वो पेशेंट क्या हो जाता था, क्योंकि उसके अंदर अगर डिफ्थेरिया का टॉक्सिन पड़ा हुआ है तो उसको हमने एंटीबॉडीज दी तो वो पेशेंट क्या हो जाता था, ठीक हो जाता था। समझ आ गई ये बात? नहीं समझ आई डॉक्टर जुबैर? आगे समझ। क्या करते थे कि हमने डिफ्थेरिया का ट्रीटमेंट कैसे करना है कि घोड़े को हम, एक हॉर्स को हम डिफ्थेरिया का टॉक्सिन जो है ना वो इंटर करते थे, डिफ्थेरिया की एंटीजन। तो वो हॉर्स जो है ना उसकी एंटीजन को देख के उसके खिलाफ क्या बना लेता था, एंटीबॉडीज। अब यही एंटीबॉडीज हम उठा लेते थे और इन एंटीबॉडीज को हम पैक कर लेते थे एज हमारे पास ड्रग पड़ जाती, ड्रग होती थी ये पैसिव इम्यूनिटी के तौर पर, मतलब पैसिव से हमने ले ली है और डायरेक्ट हम एंटीबॉडीज देंगे। तो यही एंटीबॉडीज जिस पेशेंट को क्या होता था, डिफ्थेरिया, उसको हम यही एंटीबॉडीज दे देते थे। तो वो उसके साथ जाके उस एंटीबॉडी उसको क्या कर देती थी, किल कर देती थी एंटीजन को। जैसे कि प्लाज्मा के एग्जाम्पल ले लें आप, कोविड में हम कहते हैं कि जब एक पेशेंट क्योर हो गया तो उससे हमने प्लाज्मा ले लिया, उसकी एंटीबॉडीज हमने जो है ना पेशेंट को दी, तो वो भी क्या हो जाता है, क्योर हो जाता है। लेकिन इसमें बाज दफा क्या होता है, इसमें बाज दफा ये होता है कि आपने ये जो एंटीबॉडीज यहाँ से उठाई है और ये पेशेंट को दी है, अब बाज दफा ये जो पेशेंट की बॉडी है वो कहती है कि ये जो एंटीबॉडी आई है ये मेरी तो नहीं है, ये एंटीबॉडी मेरी तो नहीं है, ये कोई बाहर की चीज है। आपको पता है एंटीजन हो या फिर एंटीबॉडी हो दोनों क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब कोई भी प्रोटीन हो उसको हमारी बॉडी, उसको नहीं पता कि वो एंटीबॉडी है या फिर एंटीजन है, हमारी बॉडी किसी भी प्रोटीन को एज ए एंटीजन लेती है। अब जब हमारी बॉडी ने देखा कि ये तो यार मेरी चीज नहीं है, ये तो बाहर से कोई दाखिल हो गया, अब उसने ये नहीं देखा कि ये मेरा दोस्त है, मेरी हेल्प कर रहा है, नहीं, उसने कहा मुझे नहीं पता ये बाहर से आया है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, हाइपर सेंसिटिविटी है। उसने कहा कि ये मेरा दुश्मन है, वो इसी एंटीबॉडी को एज ए एंटीजन लेगा और इसके खिलाफ ही क्या बना देगा, एंटीबॉडी। अब ये बॉडी की अपनी एंटीबॉडी और इसको उसने क्या लिया, एज ए एंटीजन लिया है, तो अब ये एंटीजन एंटीबॉडी का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर वही सीन, कॉम्प्लेक्स बन गया, पहले तो कोशिश होगी कि मैक्रोफेज उसको आके क्लियर कर दे, फेगोसाइटोसिस कर दे,
लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं ये ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल में बैठ जाते हैं और ऊपर से फिर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव होता है तो उससे क्या होता है, C3A और C5A, C3A से हिस्टामिन, C5A से न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इन्फ्लेमेशन, इस इन्फ्लेमेशन को हील करने के लिए आपके प्लेटलेट्स आएंगे, एग्रीगेट करेंगे, ब्लड प्लाक बन जाएगा, यहाँ से ब्लड पास नहीं कर सकेगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी, स्कीमिया और नेक्रोसिस हो जाएगी। तो ये जहां ये सिस्टमाइज होता है, ये क्या होती है फिर सिस्टमाइज होती है, जहां जहां आपका ये टॉक्सिन प्लाक बनता जाएगा वहां वहां पे क्या होता जाएगा, ये सारा प्रोसेस होता जाएगा। तो ये आपको हॉर्स समझ आ गया डॉक्टर यान, कि ये कैसे हॉर्स के अंदर ये एंटीजन जाती है, कैसे एंटीबॉडी बनती है, कैसे प्लाज्मा को लेता है, और ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है। एनी वन हैविंग एनी क्वेश्चन, रिपीट कर दो, रिपीट करने की जरूरत है अभी यार डॉक्टर, अभी यार रिपीट करने की जरूरत है, रिपीट कर देता हूं मैं। चले क्या होता है इसमें, इसमें देखिए पहले के जमाने में हम डिफ्थेरिया को कैसे ट्रीट करते थे, कि हम डिफ्थेरिया का टॉक्सिन, डिफ्थेरिया की एंटीजन, डिफ्थेरिया का टॉक्सिन जो डिफ्थेरिया कॉज कराता था उसको हमने हॉर्स के अंदर इंजेक्ट किया, तो हॉर्स उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता था, और ये एंटीबॉडीज जो है ना इस टॉक्सिन को मार देती थी। अब जो एंटीबॉडीज हॉर्स के अंदर बन चुकी है हम उन एंटीबॉडीज को उठा लेते थे और उनको हम एज ए मेडिसिन यूज करते थे, कि जब किसी भी पेशेंट को फिर क्या हुआ डिफ्थेरिया हुआ तो हमने ये एंटीबॉडीज उस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करनी है। जब ये एंटीबॉडीज हम उस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो क्या ये एंटीजन थी, ठीक है, जो डिफ्थेरिया की उस पेशेंट के अंदर थी उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज इंजेक्ट की, ये जाके उसकी किलिंग कर देते थे। लेकिन जो पेशेंट सेंसिटिव हो, हाइपर सेंसिटिव हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये इम्यून कम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये इम्यून कम्प्लेक्स मोस्टली क्या होता है कि क्लियर हो जाता है, लेकिन बाज दफा क्या होता है ये क्लियर नहीं होता। जब क्लियर नहीं होता तो ये इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल में, जब ये वहां पे इकट्ठा होता है तो वहां पे क्या होता है ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करता है, वहां से C3A और C5A ये दोनों कंप्लीमेंट सिस्टम से एक्टिव हो जाते हैं, C3A से हिस्टामिन, C5A से न्यूट्रोफिल, दोनों आके क्या कराते हैं इन्फ्लेमेशन, इस इन्फ्लेमेशन को हील करने के लिए आपके प्लेटलेट्स आएंगे और ये प्लाक बना देंगे, जब प्लाक बन जाएगा तो यहां से ब्लड इजिली नहीं पास कर सकेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी दूसरी साइड पे इस्कीमिया या फिर नेक्रोसिस हो जाएगी। तो इस तरफ ये इन्फ्लेमेशन होती है, और ये इन्फ्लेमेशन सिस्टमिक होती है, कि अगर ज्वाइंट्स में होगी तो आर्थराइटिस, किडनी में होगी तो हीमेटुरिया हो जाएगा, और इसी तरह स्किन पे होगी तो अर्टिकेरिया हो जाएगा, इसी तरह आपकी ब्लड वेसल्स में होगी तो वेस्कुलाइटिस हो जाएगी, और अगर ब्लड वेसल्स में होगी तो उसकी कौन सी टाइप होगी नेक्रोसिस की, फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस, और इसको डिटेल में हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। समझ आ गया, पक्की बात है। अच्छा इसको बोलते होते हैं कि ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ये क्या होता है इमीडिएट, लेकिन ये 1 से 2 वीक्स के अंदर आता है, क्या 1 से 2 वीक्स, फिर इमीडिएट कैसे हुआ, फिर तो इमीडिएट ना हुआ, फिर इसको क्यों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, जस्ट फॉर द कंसेप्ट, एमसीक्यूज एग्जाम के वाले से इंपॉर्टेंट नहीं है कंसेप्ट के लिए। वो बोलता है कि ये इमीडिएट होता है 1 से 2 वीक, कहते हैं हम कहते हैं यार ये 1 से 2 वीक के अंदर आ रहे, ये इमीडिएट कैसे हो सकता है, तो ये होता है कि जब आपकी एंटीजन अंदर थी तो उस एंटीजन को देख के, सॉरी जो एंटीबॉडी हमने दी, मतलब जिस एंटीबॉडी को, मतलब ये वाली जो एंटीबॉडी हमने इंजेक्ट की थी, इस एंटीबॉडी को हमारी बॉडी ने एज ए एंटीजन लिया ना, अब इसी एंटीजन के खिलाफ ये एंटीजन जो हमारी बॉडी बनाती है, इस एंटीबॉडी को बनते बनते 1 से 2 वीक लग जाते हैं, लेकिन जब ये एंटीबॉडी बन जाती है तब रिएक्शन फौरन शो होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इमीडिएट, मतलब कि ये रिएक्शन शो कराता है। समझ आ गया। अच्छा ये तो थी उसकी सीरम सिकनेस में पहली हमने पढ़ी, ये हॉर्स की एग्जाम्पल, डिफ्थेरिया टॉक्सिन की एग्जाम्पल हमने पढ़ी। अब दूसरी हम देखते हैं ड्रग्स, कि जो ड्रग्स हैं वो भी क्या काज करा सकती है आपकी सीरम सिकनेस, काज करा सकती है, ये हो सकता है आपको हाइपरटेंशन टाइप 3 हो सकती है। ड्रग वही हमें जो एक जिसने हमारा दिमाग खराब किया हुआ, पेंसिलिन है, पेंसिलिन हमने ली, ठीक है, अब ये पेंसिलिन हमने इंजेक्ट की पेशेंट के अंदर, जब ये हमने पेशेंट को दी तो इसके प्रॉपर एक्ट किया, कोई साइड इफेक्ट इसने शो नहीं कराया, अब ये हार्मलेस है, ठीक है, इसने अपना काम किया, एंटीबायोटिक थी, बैक्टीरिया को जाके इसने किल किया, लेकिन बाज दफा यही जो हमने इंजेक्ट की है, यही आपकी पेंसिलिन, तो यही पेंसिलिन आपकी बॉडी की कोई प्रोटीन का हिस्सा उठा लेगी, आपकी बॉडी की अपनी प्रोटीन जो पड़ी होंगी उनके साथ जाके मिल जाएगी, जब ये उसके साथ मिल जाएगी अब इसको बोलते हैं हेप्टिन, इसको बोलते हैं आप, अब इसको हेप्टिन बोलते हैं, पहले क्या थी ये पेंसिलिन थी, ड्रग थी, जब हमने अंदर इसको इंजेक्ट किया पेशेंट के अंदर तो इसने अपना काम दिखाया, लेकिन बाज दफा जो पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होते हैं
ये पेंसिलिन हमारी बॉडी के किसी प्रोटीन के साथ मिल जाएगी। जब ये प्रोटीन के साथ मिलेगी अब इसको क्या बोलते हैं, हेप्टन। अब हमारी जो बॉडी है अब इस हेप्टन को हार्मलेस नहीं लेगी, वो कहेगी ये क्या है, खतरनाक है, हालांकि खतरनाक नहीं होती। अब वो हमारी बॉडी इसको एज ए एंटीजन लेगी और इसके खिलाफ क्या बना देगी, क्या बना देगी इसके खिलाफ, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी बन गई है, दोबारा वही सीन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, फिर दोबारा वही ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होगा, फिर वही जो प्रोसेस है सारा, फिर सेम वही वही चीज होगी। तो समझ आ गया कि ड्रग्स एसोसिएटेड आपको ये हेपेटाइटिस टाइप 3 किस तरह होती हैप्टन के थ्रू होती है। ये खुद कुछ भी नहीं थी, जब अंदर गई तो इसने हमारी बॉडी की प्रोटीन के साथ खुद को मिला लिया, तो क्या बन गई, ये हैप्टन बन गई। क्या बन गई, हैप्टन। तो इस हैप्टन ने क्या किया, फिर एज एंटीजन काम किया, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, तो ये फिर सारा प्रोसेस होता है। समझ आ गया, पक्की बात है, ठीक है। चलो अगली इसकी एग्जांपल है एचबीवी पैसिव इम्यूनाइजेशन। पेशेंट को अगर एचबीवी हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको पैसिव इम्यूनिटी भी देते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि उसमें एंटीबॉडीज होती है, वो एंटीबॉडीज क्या होती है, वो एंटीबॉडीज आपकी जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है उसके अगेंस्ट होती है ये एंटीबॉडीज, ठीक है। हमने डायरेक्ट एंटीबॉडीज दी, ये पेशेंट को एंटीबॉडीज दी, उसके अंदर एचबीवी का वायरस था, ठीक है, हमने ये एंटीबॉडी उसको दी, ये एंटीबॉडी। अच्छा, ये एंटीबॉडी कौन सी होती है, कौन सी टाइप होती है, मैंने बताया था टाइप 2 और टाइप 3 में कौन सी टाइप होती है एंटीबॉडी की, IgG, याद करें जरा, IgG और IgM, लेकिन मोस्टली कौन सी होती है, IgG, तो IgG इंपॉर्टेंट है। तो आपकी IgG हम देते हैं, ये जाके इस HBV वायरस को जाके किल कर देती है, तो इस तरह पेशेंट क्या हो जाता है, क्योर हो जाता है। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि हमने जब ये एंटीबॉडी दी HBV की, जो है ना, हमने उसके अगेंस्ट पैसिव इम्यूनिटी दी, तो पेशेंट को क्योर करना चाहिए था, लेकिन पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है, फिर वही दोबारा क्या बन जाएगा, हमारी जो बॉडी है इस एंटीबॉडी को क्या लेगी, एज ए एंटीजन, इसको एज ए एंटीजन लेगी, इसके खिलाफ क्या बना देगी, एंटीबॉडी। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या बन जाएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स, फिर ये सेम प्रोसेस से गुजरेगा, तो ये सारा फिर वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टेमिक होता है, ये क्या होता है, ये सीरम सिकनेस जो होती है ये क्या होती है, सिस्टेमिक। समझ आ गई है, पक्की बात है, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। ये डिफ्थेरिया सीरम को जो हमने अभी एग्जाम्पल देखी है, एक हॉर्स वाली एग्जाम्पल हमने देखी है डिफ्थेरिया वाली, एक हमने एग्जाम्पल देखी है पेंसिलिन वाली, हेप्टन वाली ड्रग एसोसिएटेड, एक हमने एग्जाम्पल देखी है HBV पैसिव इम्यूनाइजेशन सीरम सिकनेस। तो समझ आ गई है, पक्की बात है, आगे बढ़े, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है आर्थस रिएक्शन। अब ये आर्थस रिएक्शन क्या होते हैं, ये भी आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, जो आर्थस होती है ना, आर्थस रिएक्शन ये होती है लोकलाइज्ड। पीछे हमने जो पढ़ी है वो क्या थी, सिस्टेमिक, किसी भी जगह पर हो सकती थी, लेकिन जो आर्थस जो रिएक्शन है ये क्या है, लोकलाइज्ड है, किसी एक जगह पर हो गया। अच्छा, इसमें पता क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें होता क्या है, इसमें हमने किसी पेशेंट को जो है ना, कोई किसी भी चीज का, कोई हम उसको टेटरस की वैक्सीन लगा रहे हैं या कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम उसको वो इंजेक्शन बार बार, एक बार लगाया उसको, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, चौथी बार लगाया, पांचवी बार, वो एक ही जगह पे हम उसको बार बार क्या लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। एक बार लगाएंगे हमारी बॉडी कहेगी इट्स ओके, हम हर इंसान के नहीं बल्कि जो सिर्फ हाइपर सेंसिटिव होंगे, दूसरी बार लगाया इट्स ओके, तीसरी बार लगाया इट्स ओके, चौथी बार लगाया इट्स ओके, एक वक्त आएगा वो कहेगा यार हद हो गई है यार, तुम तो यार सुधर ही नहीं रहे हो, मैं समझा था कि तुम पागल हो, तुम तो जानबूझ के कर रहे हो, हैं, तो वो कहेगा कि तुम सुधर ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी है, फिर इसको जो वो हम जो चीज यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे थे उसको क्या ले लेगी, एज ए एंटीजन ले लेगी, तो क्या बनाएगी इसके लिए, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आके यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स, इम्यून कम्प्लेक्स बनेगा। आगे क्या होगा, फिर ये इम्यून कम्प्लेक्स जाके यहाँ पर अटक जाएगा, जब अटकेगा तो C3A C5A कंप्लीमेंट सिस्टम के जरिए इन्फ्लेमेशन होगी, उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए कौन आएगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट करेंगे, ब्लड प्लाक बनेगा, ब्लड नहीं गुजर सकेगा, यहाँ पे क्या होगा, इस्कीमिया, और क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस। लेकिन ये वाली नेक्रोसिस एक मखसूस हिस्से पर, सिर्फ यहीं पर होगी, सिर्फ स्किन के इसी हिस्से पर इन्फ्लेमेशन होगी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड, जो नाम इसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड हम इसको बोलते हैं, लोकलाइज्ड मतलब लोकलाइज्ड हिस्से पर इन्फ्लेमेशन होगी आपकी। ये है आर्थस रिएक्शन, ये क्या है, आर्थस रिएक्शन, मुझे देखने लगे कोई चीज रह ना गई हो।
और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये 3 to 6 hours के अंदर होते हैं। वो क्या था, सीरम सिकनेस, 1 से 2 week के अंदर, ये 3 to 6 hours के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या था, ये आर्थ्रस रिएक्शन, और ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। तो आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा। ये इंजेक्शन सब क्यूटेनियसली भी हो सकते हैं, इंट्राडर्मल भी हो सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी ये हो सकते हैं। जो भी इंजेक्शन हम उसको बार बार लगाएंगे तो हमारी बॉडी उसको एज ए, एक वक्त आएगा कि यार बहुत हो गया, उसको एज एंटीजन लेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो ये फिर सारा प्रोसेस होगा। समझ आ गया। अच्छा, एक होती है फार्मर लंग डिजीज, इसको न्यूमोनाइटिस भी बोलते हैं, ये भी इसी में आता है, आपके आर्थ्रस रिएक्शन में ही मेरे ख्याल में आ जाएगी फार्मर लंग, इसको न्यूमोनाइटिस भी बोलते हैं, न्यूमोनाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि बेचारे मजदूर होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो किसी एक मखसूस जगह पर बार बार काम करते रहते हैं। कि अब वो एक फार्मर था, मतलब कि कोई भी मजदूर था, वो एक फैक्ट्री में बार बार काम कर रहा है। आप उस फैक्ट्री में वो अपने लंग्स में एक ही चीज इनहेल कर रहा है। ऑफ कोर्स अगर एक ही जगह पे काम कर रहा है तो वो जो चीज इनहेल करता रहेगा सांस के जरिए, तो वो एनवायरमेंट एक जैसा है, तो वो सेम एंटीजन क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, वो सेम एंटीजन इनहेल कर रहा है। जिस तरह हम सेम एंटीजन उसको इंजेक्ट कर रहे थे, वो सेम एंटीजन बार बार इनहेल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम कहता है बस भाई, अब मेरी बर्दाश्त किया क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब ये जो एंटीजन बार बार आ रही है, ये एंटीजन बार बार आ रही है, इसके लिए हमारी हमारा जो इम्यून कम्प्लेक्स सिस्टम है वो क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। कौन सी एंटीबॉडी, IgG। तो ये क्या बन जाएगा, इम्यून कम्प्लेक्स। फिर वही सारा प्रोसेस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। ये जो इन्फ्लेमेशन लंग्स में इस तरह होती है कि पेशेंट एक ही फैक्ट्री में जो काम करते हैं तो एक ही एंटीजन को बार बार इनहेल करते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट क्या होता है, सेम होता है, तो एंटीजन भी सेम। तो सेम एंटीजन बार 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 आ रही है, तो आपका एंटीबॉडी क्या हो जाती है, एक्टिव, वो उसके साथ इम्यून कम्प्लेक्स बना देगी, तो ये सारी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं फार्मर्स लंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको निमोनाइटिस भी इसको बोलते होते हैं, और इसको एलर्जिक एल्वियोलाइटिस भी बोलते हैं। क्या, एलर्जिक एल्व्यूलाइटिस, ये भी इसको बोलते होते हैं। तीन नाम है, एलर्जिक एल्व्यूलाइटिस, न्यूमोनाइटिस, या फिर फार्मर्स लंग, इसको ये तीन नाम बोलते हैं। मेरे ख्याल में न्यूमोनाइटिस आसान सी थी, समझ आ गई है, पक्की बात है, रिपीट करने की जरूरत है, सिंपल सी थी। उसके बाद होती है टैटनस इम्यूनाइजेशन। क्या, टैटनस इम्यूनाइजेशन, ये टैटनस आपको होती है, टैटनस का इंजेक्शन लगाते होते हैं कहीं पे चोट लग जाए तो हम कहते हैं कि टेटनस की इम्यूनाइजेशन कर ले, ये टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमने सेम वही चीज कि टेटनस का इंजेक्शन दिया, एक बार चोट लगी एक जगह पे, दिया दोबारा सेम जगह पर, तीसरी बार सेम जगह पर, चौथी बार सेम जगह पर, तो जो पेशेंट हाइपर सेंसिटिव था वो कहते हैं कि भाई हद हो गई है, आप सुधर ही नहीं रहे हो। फिर ये क्या बना देगा, इसको क्या लेगा, इस टेटनस टेटनस की जो वैक्सीन है इसको हम क्या हुआ एज ए एंटीजन क्या बना देगा, एंटीबॉडीज, क्या बन जाएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स। सेम वही प्रोसेस होगा, लेकिन ये लोकलाइज्ड होगा। रिमेंबर, निमोनाइटिस भी लोकलाइज्ड थी, आर्थ्रस रिएक्शन भी लोकलाइज्ड था, आपके ये जो अभी हुई है टेटनस इम्यूनाइजेशन, ये भी क्या होगी, लोकलाइज्ड होगी। समझ आ गई है, पक्की बात है। ये मैंने जरा भगा भगा के बताए हैं, टेटनस वाला और उसके बाद निमोनाइटिस वाला और आर्थ्रस रिएक्शन, ये तीनों समझ आ गए, पक्की बात है, ये रिपीट करने की जरूरत है, नहीं है जरूरत, वेरी गुड, वेल एंड गुड। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल्स होती हैं इसकी, जैसा कि सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। आप कहेंगे सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस किस किस में हम पढ़ेंगे, ऊपर भी पढ़ रहे हैं, तो हर किसी का वो अपना अपना रोल होता है। अब SLE का यहाँ पे अपना रोल है, SLE में कल मैंने बताया था बेसिकली किसको इन्फेक्ट किया जाता है, DNA को, किसको, DNA को जो है ना वो इंजेक्ट करते हैं, और DNA को मतलब कि इन्होंने डिस्ट्रॉय करना है। कल भी डिस्ट्रक्शन में आप लोग देख रहे थे कि DNA डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो क्या हो रही थी, SLE हो रही थी, हेड्रोलाजीन ड्रग्स की वजह से, प्रोकोनामाइड सिनोजाइड ड्रग वो थी, हाइपरसेंसिटिविटी थी। तो यहां पर भी क्या है, डीएनए के खिलाफ क्या होता है कि बाज दफा ये आपका सेल था, ठीक है, उसमें क्या पड़ा हुआ था, डीएनए पड़ा हुआ था, तो बाज दफा कुछ ट्रॉमा वगैरह हुआ तो आपका ये डीएनए यहां से निकल कर ब्लड में आ गया, कहां गया, ब्लड में। तो आपका डीएनए ब्लड में आएगा तो आपका जो सिस्टम है वो उसको एज ए एंटीजन लेगा, सबका सिस्टम नहीं, जो पेशेंट जो है हाइपर सेंसिटिव है सिर्फ उसका, इसको एंटीजन लेगा और क्या बना देगा, तो क्या बन जाएगा, इम्यून कम्प्लेक्स। आई होप सो दैट कि आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेम वही सारा प्रोसेस होगा। रिपीट करता हूँ कि अगर कोई ट्रोमा होता है तो आपका डीएनए रिलीज हो जाएगा और ब्लड वेसल में आ जाएगा, ठीक है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, तो आपकी बॉडी उसको एज ए एंटीजन लेगी, उसके खिलाफ क्या बना देगी, एंटीबॉडी, तो एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इस तरह हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 3 हो जाएगी। समझ आ गया, समझ आ गया।
डॉक्टर यान परेशान तो ना हो यार, क्या हो गया? नहीं हो परेशान? सैड हो? परेशान नहीं हो? दुख बड़े हैं। चले, नहीं नहीं ये बस थकावट वाली फांसे हैं और कुछ नहीं। अच्छा चले आगे आ जाए। पोस्ट, एक और होती है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये बड़ा सा नाम है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें होता क्या है कि आपके जो नेफ्रान है, नेफ्रान की जो ग्लोमेरुलस है, उधर होगी इंफ्लेमेशन। आइटस, आइटस जहां पे है वहां पे क्या हो रही है, मतलब इंफ्लेमेशन। नेफ्रान की ग्लोमेरुलाइटिस में हो रही है इंफ्लेमेशन, लेकिन पोस्ट, बाद में, मतलब उससे पहले क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन होगा। याद करें हमने कल पढ़ा था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा, कि आपकी जो फेरिंग्स था उसमें फ्रेंजाइटिस हो रही थी। फ्रेंजाइटिस कौन काज करा रहा था? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, मेरे ख्याल में वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक ग्रुप टू बैक्टीरिया, मैंने सारा लिख दिया है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये फ्रेंजाइटिस काज कराता है। अब हमारी बॉडी इसको एज ए एंटीजन लेती है, ठीक है। अब एज एंटीजन लेके इसके खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी और इसकी क्या कर देती है? किलिंग कर देती है। सेम वही चीज, लेकिन अगर पेशेंट क्या है, हाइपर सेंसिटिव है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? मैं तब से नहीं बता रहा हूँ कि एंटीजन एंटीबॉडी जब कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे आगे क्या होता है। वेरी गुड डॉक्टर यार, एंडोथेलियल की जो लाइनिंग है वहां पे आपका ये कॉम्प्लेक्स जाके अटैच हो जाएगा, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करेगा, तो C3A और C5A बनेंगे। C3A किसको भेजेगा? हिस्टामिन को। C5A किसको भेजेगा? न्यूट्रोफिल्स को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन। इस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए कौन आएगा? ठीक करने आया, काम बिगाड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? ब्लड क्लॉट। जब ये बनेगा तो यहाँ से क्या ब्लीडिंग, ब्लड गुजर सकेगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इस्कीमिया और नेक्रोसिस। तो मतलब यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये और ये इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हो रही है? कहाँ पे हो रही है? नेफ्रान के ग्लोमेरुलस में, नेफ्रान के, लेकिन पोस्ट, बाद में हो रही है। पहले क्या हुआ उसको? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, ये हुआ ना, फ्रेंजाइटिस हुई है पहले उसको, पहले उसको इस बैक्टीरिया से क्या हुई है? नहीं समझे? नहीं समझे? आ गया समझ, पक्की बात है कि पहले उसको फ्रेंजाइटिस हुई है। तो ये पहले इस स्ट्रेप्टोकोकस, इसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। पहले उसको इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, जब इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीजन आई, एंटीबॉडी बनी, उसके बाद इम्यून कॉम्प्लेक्स बना। तो पहले ये हुआ है, फिर पोस्ट, बाद में नेफ्रान के ग्लोमेरुलस में क्या हुई है? इन्फ्लेमेशन हुई है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। समझ आ गई है? पक्की बात है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक आप तो आपको हिमचूरिया होगा, क्या होगा आपको जो यूरिन में, उसमें क्या होगा? ब्लड होगा, या फिर आपको हाइपर सेलुलर ग्लिम, हाइपर सेलुलर क्या, हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलस। क्या आपके जो ग्लोमेरुलस के जो सेल्स हैं वो नंबर में बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसमें हाइपर प्लेशिया हो जाएगा, उसके सेल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हाइपर टेंशन होगी, आप क्या होगी? हाइपर टेंशन, बीपी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर ये वाले सिम्टम्स हो तो मतलब आपको क्या हो गया है कि आपको जो है ना, हम कह सकते हैं कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको हो गया, ठीक है। उसमें हिमचूरिया होगा, उसमें आपको हाइपरप्लेशिया होगा, हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलस होगा, और आपको हाइपरटेंशन भी इसमें हो सकता है। तो आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा। आ गया समझ? एक और इसकी होती है पोली आर्थराइटिस नोड्यूसा, बस ये आखिरी है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है? इसमें वही होता है कि इसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। इसमें आपके हार्ट के ऊपर इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन बन सकती है, इसमें आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बन सकती है, इसमें आपके GIT में आपकी इन्फ्लेमेशन बन सकती है। बस अब ये देख लें कि पोली आर्थराइटिस नोड्यूसा ये भी इसकी एग्जाम्पल होती है, बस इसका नाम याद कर लें। आई होप सो दैट कि इनफ होगा, ठीक है। डिटेल में जरा हम इसकी पैथो में जाएंगे, तो आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गया होगा।
या कोई सवाल हो आप लोगों का, ये थी हमारी Type 3 हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, मेन कंसेप्ट इसका पता है, इसकी चीज याद कौन सी रखनी है, याद पता कौन सी चीज रखनी है, सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है कि एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो आपकी एंडोथेलियल लाइनिंग में क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, तो एफसी पोर्शन से इसका कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होगा, एक्टिव, तो C3A और C5A एक्टिव हो जाएंगी, C3A से क्या बनेगी, हिस्टामिन, और C5A से न्यूट्रोफिल, ये दोनों क्या काज कराएंगे, इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हुई है, इंजरी हुई है, इसको हील करने के लिए कौन आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लॉक बन जाएगा, तो ये यहाँ से ब्लड पास नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्कीमिया और नेक्रोसिस। अब ये डिफरेंट जगहों पर हो सकती है, सिस्टेमिक भी हो सकती है, लोकलाइज्ड भी, अगर सीरम सिकनेस हो तो वो सिस्टेमिक है, और अगर आपकी आर्थ्रस रिएक्शन, या फिर हमने उसके बाद न्यूमोनाइटिस पढ़ा, उसके बाद हमने टेटनस इम्यूनाइजेशन पढ़ा, तो ये क्या होगी, लोकलाइज्ड होगी। और हमने और एग्जांपल पढ़ी है SLE पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पॉलीआर्थराइटिस नोडुलोसा पढ़ा। तो अब बाकी आपने सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है, और बाकी एग्जांपल्स को सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है, बाकी चीजें याद रहे या ना रहे ये आपको याद रहना चाहिए। रीडिंग कर ले इसकी थोड़ी सी, हैं रीडिंग कर ले, चले रीडिंग में है कि Type 3 हाइपरसेंसिटिविटी, इम्यून कम्प्लेक्स बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी मोस्टली IgG होती है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स एक्टिवेट द कंप्लीमेंट सिस्टम विच अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स रिलीज लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, कैन बी एसोसिएटेड विद वैस्कुलाइटिस, वेसल्स में हो सकती है, एंड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन, मतलब सिस्टेमिक का मतलब है एक से ज्यादा जगहों पर होगी। इन Type 3 रिएक्शन इमेजिन एन इम्यून कम्प्लेक्स एज 3 things, मतलब ये कह रहा है कि क्या है इसमें, ये नमूने का याद करने का, Type 3 में 3 things होगी स्टक टुगेदर, कौन सी, एंटीजन एंटीबॉडी कंप्लीमेंट, एंटीजन एंटीबॉडी और कंप्लीमेंट, ये 3 चीजें आपस में आके स्टक होगी, तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एग्जांपल्स में आपने सिर्फ एग्जांपल्स के नाम याद रखने हैं, SLE पॉलीआर्टेरियाटिस मेडुजा और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इनके आपने नाम याद रखने हैं। अब सीरम सिकनेस हमने इसकी एग्जांपल देखी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और वो आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब प्रोटोटाइपिक इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज, मतलब कि ये डिजीज है, पहले होती है। ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडीज टू फॉरन प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड एंड 1 to 2 weeks लेटर, समझ आ रही है बात, वो मैंने जो 1 to 2 weeks वाली बात कहेगी कि पहले एंटीबॉडीज बनेगी फिर जाके होगा। एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्सेस फॉर्म एंड डिपॉजिट इन टिश्यूज, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज मतलब आपकी नेक्रोसिस हो जाएगी। एग्जाम इसमें देखें, फीवर हो जाएगा, अर्टिकेरिया हो सकता है, आर्थ्रिटिया हो सकता है, प्रोटीन्यूरिया हो सकता है, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, अक्कर 1 to 2 weeks आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर, सीरम सिकनेस लाइक रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद सम ड्रग्स, मे एक्ट एज हेप्टन्स, पेनिसिलिन की मैंने एग्जांपल दी थी, एंड इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस बी की मैंने एग्जांपल दी थी। आर्थ्रिटिस रिएक्शन क्या होते हैं, आर्थ्रिटिस रिएक्शन इसमें हमने देखा कि लोकल सब एक्यूट इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, कि सब एक्यूट अगर हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं तो लोकल होगी, लोकलाइज्ड होगी। इंट्राडर्मल भी हो सकता है, इंजेक्शन ऑफ एंटीजन इनटू अ प्री सेंसिटाइज्ड, पहले से पेशेंट सेंसिटाइज हो चुका है, प्री सेंसिटाइज मतलब उसको हम पहले बार बार इंजेक्ट कर चुके हैं। हैज सर्कुलेटिंग IgG इंडिविजुअल लीड्स टू इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन द स्किन, इनहेंस लोकल रिएक्शन टू बूस्टर वैक्सीनेशन, मतलब बार बार जो हमने वैक्सीनेशन की है उसको जो बूस्टर्स किए हैं। करेक्टराइज बाई एडिमा, इसमें एडिमा भी हो जाएगा, नेक्रोसिस भी हो जाएगी, एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम भी इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप इसको देख लें, देखिए न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, ये एंटीजन इम्यून कम्प्लेक्स बना है, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कम्प्लेक्स बना है, तो क्या आ रहे हैं आपके, ये देखिए न्यूट्रोफिल्स आए हैं, ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करा रहे हैं, एंजाइम्स फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स डैमेज द एंडोथेलियल सेल्स, तो ये सारा प्रोसेस वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो दैट आपको समझ आ गया होगा, बाकी बात है। शेयर जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।